हाय एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस आई मेकअप लुक जो बहुत ही अच्छा टर्नड आउट हुआ है। आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा और अगर आपको लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट है। आप पैलेट में इसमें इस पिंक शेड को एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड करूंगी यूजिंग साइड टू साइड मोशन। ये मेरा ट्रांजिशन कलर है। अब मुझे अपनी आईज पे एक ब्लैक बेस चाहिए, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की काजल। अब काजल से मैं पूरी आईज को पेंट कर दूंगी और एंड में मैं विंग काइंड ऑफ शेप बना रही हूँ। वैसे आप कोई स्टिकी टेप भी यूज कर सकते हैं ऐसे शेप बनाने के लिए। अब एक एंगल ब्रश पे मैंने ब्लैक हेयर शेडो पिक किया है और उससे मैं कुछ इस तरह की शेप बना रही हूँ, विंग काइंड ऑफ शेप, अपनी आई शेप को फॉलो करते हुए। मैंने ये शेप काजल से इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काजल से काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाती है और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं काजल के एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। अब पैलेट में से मैं इस ब्लू शिमर शेड को जहाँ पे मैंने ब्लैक बेस लगाया है वहाँ पे अप्लाई करूँगी मिड आईलिड से आउटर कॉर्नर तक। मैं इसे पूरा पेंट कर दूँगी। इसके लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ कलर स्टूडियो का आई शेडो पैलेट है। अब मैं पैलेट में से इस गोल्डन शेड को पिक करूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और इसे अपनी आईलिड के इनर पार्ट पर अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो आई मेकअप को यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बट मैं थोड़ा सा और इसे अच्छा बनाना चाहती हूँ और मैं ग्लिटर्स ऐड करना चाहती हूँ। मुझे ग्लिटर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। अब मैं ग्लिटर पैलेट में से ये ब्लू ग्लिटर पिक कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और इसे मैं अपनी सेंटर आईलिड से लेकर आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करूँगी। और इसके लिए जो मैंने ग्लिटर पैलेट यूज़ किया है वो हिलेरी रोडा का ग्लिटर पैलेट है। अब मैं ये गोल्डन ग्लिटर पिक करूंगी और इसे जहाँ पे मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया है जस्ट उसके ऊपर से प्लेस कर दूंगी। नेक्स्ट मैं अपनी आईज पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। अब डार्क ब्लू शेड की हेल्प से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लूंगी। अब मैं मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा की हेल्प से अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। अब मैं स्लाइट शिमर शेड से अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूंगी। दिस इज द फिनिश्ड रिजल्ट। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।